वाटर ब्लूम एंड एल्गा ब्लूम. द एल्गा ब्लूम आर रैपिडली ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई फास्ट एंड क्विकली. दे आर फॉर्म द ग्रोथ ऑफ सोलिटरी एल्गा एंड द रियर बाय ऑफ फ्यू एल्गा. द एल्गा इज अवंडेंट, देखने को मिलता है पाउंड लेक एंड डिस्टिंक्ट कलर इन टाई ऑफ बॉडी. वाटर ब्लूम का जो कलर है वो डिफरेंट एल्गी के डिफरेंट पिगमेंट की वजह से हमें डिफरेंट कलर दिखता है. एंड सच एल्गा ग्रोथ इज कॉल्ड वाटर ब्लूम एंड द कलर डिटरमाइन एल्गा इन वाटर ब्लूम. एंड द एल्गा इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट वाटर ब्लूम्स एंड जनरली फाइटो प्लैंकेटोन्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए. आगे है वाटर ब्लूम एंड जनरली फॉर्मली इन रैपिडली एंड मल्टीप्लीकेशन एंड यूजली बिलोंग टू अ क्लास साइनोफाइसी साइनोफाइसी और साथ में कुछ मेंबर हैं इसमें क्लोरोफाइसी क्रिप्टोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी पैरियोफाइसी एंड आल्सो इज नोन एज. इन सबको बोलते हैं हम वाटर ब्लूम. इन सब में क्या फॉर्म होता है वाटर ब्लूम. एंड वाटर ब्लूम इज नोन एज अ फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर या मेराइन वाटर सब में देखने को मिलता है एल्गा ब्लूम. एंड एल्गा ब्लूम जो है मे बी टेम्प्रेरी और परमानेंट भी हो सकता है. जो टेम्प्रेरी है वो हमें देखने को मिलता है टेम्पल या टेम्पल पाउंड्स एक्सेट्रा और जो बिग पाउंड है या परमानेंट वहाँ पर हमें परमानेंट टू वाटर ब्लूम देखने को मिलता है. द वाटर ब्लूम आर क्विकली ड्यूरिंग द विंटर एंड समर में क्या हो जाता है ये वेल द ड्यूरिंग एंड रेन ब्लूम एंड द थिन हो जाता है ये डायल्यूट फॉर्म द सडन सप्लैश ऑफ रेन वाटर. जब रेन की ड्रॉप सडनली इस पर गिरती है तो ये डायल्यूट हो जाता है वाटर ब्लूम. इन इंडिया वाटर ब्लूम इन टेम्पल्स लेक सेक्टर इनके एग्जाम्पल है ये दो एंड एम फ्लोस एंड क्वा. द वाटर ब्लूम फॉर्मिंग द एल्गी क्लास इज साइनोफाइसी इंक्लूडिंग द स्पीशीज एनाविनासा स्पायरुलिना और स्क्लेरेटा एंड अर्थोस्पाइरा एक्सेट्रा. ये स्ट्रक्चर है स्पायरुलिना का ग्रीन कलर का होगा ये ऐसे कर ये एनाविनासिस का स्ट्रक्चर है. और टू क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोमेडोमोनास और वॉल्वोक्स एक्सेट्रा ये हमें देखने को मिलते हैं. यूग्लिना ऑफ यूग्लिनोफाइसिन स्पायरिना ऑफ द चेरियोफाइसिन गैमिडियम ऑफ द पैरियोफाइसी एंड द सॉल्ट टेक द नंबर इन पी एच वैल्यू वैरी करती है बिटवीन द 14 to 17 ब्लूम फॉर्मिंग एनाविनासिस. वाटर ब्लूम आर फॉर्म इन साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन जो जो नाइट्रोजन गुड है नाइट्रोजन फिक्सेशन में एंड देयर कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर एंड प्रोवाइड द फूड ऑफ मीन्स फॉक्स एंड ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अदर माइग्रेटरी बर्ड्स को. और जो ये हार्मफुल है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए भी और फिशेज़ के लिए क्योंकि ये फिशेज़ की जो पॉपुलेशन है वो उसे कम करता है. देर इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द मोर्टैलिटी ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की. और जिससे जो अदर जो है ये पूरी तरह सरफेस पे फैल जाते हैं और जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वाटर के अंदर रहते हैं उनके लिए बड़ी डिफिकल्टी आती है सर्वाइवल के लिए. और वाटर ब्लूम की वजह से अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर एंड द फॉल स्मेलिंग मेल एंड. और वाटर ब्लूम को कंट्रोल करने के लिए हम कॉपर सल्फेट क्लोराइड और साइनोफाइज एंड हैज़ बीन यूज टू कंट्रोल वाटर ब्लूम इज पेस्टिसाइड और एल्गिसाइड का यूज़ करते हैं.